हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ वीडियो नंबर 14। लेट्स स्टडी लाइफ विद नीलोफर नाई। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस सीलिया एंड फ्लैजिला। आज की क्लास में हम सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इफ़ इट इज़ सिंगुलर देन इट इज़ कॉल्ड सीलियम एंड फ्लैजिलम। सीलिया एंड फ्लैजिला आर एक्चुअली द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल्स। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं। सीलिया जो है शॉर्ट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन अ वेरी लार्ज नंबर इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये देखिए पैरामीशियम यूकैरियोटिक सेल है, हमें पता है यूनिसेलुलर, तो उसकी पूरी बॉडी पे आपको शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या है? सीलिया। अब सीलिया भी दो तरह के होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। जैसे कि इनका नाम ही डिक्टेट कर रहा है इनका फंक्शन क्या होता है। मोटाइल सीलिया या फिर काइनोसीलिया जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में देखने में वो मिलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और मिडल ईयर में। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई माइक्रोब डेब्रिस आ गया है लंग्स में इंटरली, तो ये ट्रैप कर लेते हैं और इसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू मूवमेंट। अगर नॉन मोटाइल सीलिया मूव नहीं करते तो फिर उनका फंक्शन क्या होता है? नॉन मोटाइल सीलिया या फिर स्टीरियोसीलिया को आप प्राइमरी सीलिया भी बोलते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं नियर बाई सेल में एज अ एंटीना। जैसे कि आई सेल्स में रिसेप्टर होते हैं, लाइट जब पड़ती है तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं थ्रू नॉन मोटाइल सीलिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोसीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, मोटाइल सीलिया मतलब काइनोसीलिया एंड नॉन मोटाइल सीलिया इज स्टीरियोसीलिया, तो ये टर्म ध्यान रखिएगा आप। ओके, जो सीलिएटेड सेल्स होती हैं वो अपना मूवमेंट तो करते ही करते हैं, जैसे पैरामीशिया को सेल्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो उसका सराउंडिंग फ्लूड होता है ना उसके मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि म्यूकस प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो ये सीलिएटेड सेल्स उसको मूव कर रही होती है, ऊपर की साइड ले जा रही होती हैं। तो होता है ना जैसे जुकाम में म्यूकस आ रहा होता है नोज के थ्रू, वो ट्रैक्ट से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो सीलिएटेड सेल्स ही करती हैं। इसी तरह से फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवम होता है, तो जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है ना उसके पास भी सीलिएटेड सेल्स होती हैं, वो सीलिया की हेल्प से यूट्रस तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सीलिएटेड सेल्स का, वो फीमेल बॉडी के अंदर हमें कहाँ देखने को मिलता है? फेलोपियन ट्यूब्स में। ओवम जो मूव कर रहा होता है वो सीलिएटेड सेल्स की हेल्प से यूट्रस के पास तक जाता है। ओके, फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट में होता है। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में देखने को मिलते हैं, बट जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये किस किस में प्रेजेंट है मतलब, तो उसी के बेसिस पे इसके थ्री टाइप्स कर दिए गए हैं। अगर ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है देन इट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल फ्लैजिला। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है देन इट इज़ कॉल्ड यूकैरियोटिक फ्लैजिला। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन आर्कियल सेल्स देन इट इज़ कॉल्ड आर्कियल फ्लैजिला। बैक्टीरिया का एग्जांपल जैसे कि ई कोलाई, सेल्मोनेला टाइफी, इनके अंदर ये एक से या दो इन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजिला अगर आपका कोई एग्जांपल पूछे तो स्पर्म सेल्स, इसके पास फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए, दे बीट बैक एंड फोर्थ टू ब्रिंग मूवमेंट। आर्कियल फ्लैजिला बैक्टीरिया फ्लैजिला जैसे ही होता है, बट इसके पास सेंट्रल चैनल नहीं होता, ये एक एक्सेप्शनल केस है। तो इनका दोनों का डिफरेंस देखें, सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है। जो नंबर्स होते हैं सीलिया के वो कंपैरेटिवली मोर हैं, टिपिकली रेंजेस इन थाउजेंड्स में होते हैं, बट फ्लैजिला के ज़्यादा नंबर नहीं होते, यूजुअली 1 से 8 तक के नंबर में प्रेजेंट होते हैं। सीलिया की जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है, काफ़ी शॉर्ट एंड इन लेंथ है, बट फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर है इन लेंथ, फ्लैजिला सीलिया से बड़ा होता है। जो बीटिंग पैटर्न है सीलिया का वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कोऑर्डिनेटेड मैनर में है। ठीक है, रेंज है इसमें मोशंस की, बट फ्लैजिला का सर्कुलर वेव लाइक प्रोपेलर लाइक मोशन देखने को मिलता है। सीलिया हमें सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, बट फ्लैजिला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सीलिया के खुद के दो टाइप हैं, नॉन मोटाइल एंड मोटाइल सीलिया। जैसे कि पहले ही बताया था, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकते जैसे कि आई सेल्स में, और मोटाइल जो मूव कर सकते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपको बताया था। फ्लैजिला के तीन टाइप हैं, बैक्टीरियल आर्कियल एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला। इनका जो रियल डिफरेंस है ना वो मूवमेंट में देखने को मिलता है। जो बीटिंग सिंक्रोनाइजेशन है ना वो सीलिया के अंदर सिंक्रोनस है और मेटाक्रोनस है। सिंक्रोनस मतलब एक साथ मूव कर रहे होते हैं सारे सीलिया, या तो एक साइड लेफ्ट जा रहे होते हैं सारे के सारे, फिर वापस से एक साइड सारे के सारे
राइट आ रहे होते हैं, ठीक है। मेटाक्रोनिक में क्या होता है, एक रो राइट जा रही होती है तो दूसरी रो लेफ्ट जा रही होती है, ये मेटाक्रोनिक मूवमेंट होता है। तो देखा जाए तो इनका कोऑर्डिनेशन मैनर में होता है, बट फ्लैजिला में ऐसा नहीं है। अगर एक फ्लैजिला लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा वाला राइट या लेफ्ट, उसकी मर्जी है, वो कहीं भी जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट है ये ईच अदर। तो इसका जो मोशन टाइप है वो रोटेशनल लाइक अ मोटर की तरह दिखता है, वेरी फास्ट, बट इसमें बेंडिंग मूवमेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। रोटेटरी मूवमेंट भी देखने को मिलता है फ्लैजिला में, बट ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। स्विमिंग मोशन जो होता है, जो सीलिया जो मूव करता है सेल्स को, वो उसका परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलरली मूव करा रहा होता है, बट फ्लैजिला पैरेलल होता है उसकी एक्सिस पे। ये देखिए, इसमें फ्लैजिला में आपको वेव लाइक मूवमेंट देखने को मिल रहा होगा, बट सीलिया में क्या होता है, एक बार तो पावर स्ट्रोक आता है, इधर की साइड मूव करता है, ठीक है, फिर वापस से रिकवरी स्ट्रोक से वो बैक फोर्थ जाएगा। तो इस तरह से परपेंडिकुलर मूवमेंट शो करता है फ्लैजिला में, वेव लाइक आपको दिखेगा मूवमेंट पैलर उसकी एक्सिस के, इसमें परपेंडिकुलर दिखेगा, ठीक है, रोटेटरी मूवमेंट की तरह हमें इसमें देखने को मिलता है। अब ये तो जितने भी हमने पढ़े थे डिफरेंस पढ़े थे, फिर सिमिलैरिटी क्या है? अगर इसका स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखें, सीलिया फ्लैजिला को, तो ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक सेंट्रल रोड हमें देखने को मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सोनीम, ठीक है, और जो उसकी कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जैसे सेल के आउटसाइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, तो फ्लैजिला सीलिया के आउटसाइड भी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, मतलब कंटिन्यूस हो रही होती है ये इमर्ज आउट करते टाइम। जो उसकी सेंट्रल रोड है एक्सोनीम, अगर उसको हम कट करें अंदर से, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, क्या आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर ये देखिए, ये रिंग्स ही नज़र आ रही होगी आपको, ये रिंग्स क्या है, एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके, और ये पैरेलली रन कर रहे हैं अपने लॉन्ग एक्सिस में। ये हमने सेक्शन कट करा है, क्रॉस सेक्शन, तो हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आ रहा है, और ये सीलिया और फ्लैजिला के केस में बिल्कुल सेम है, ओके, स्ट्रक्चरली देखें तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं एक्सोनीम के, 9 पेयर्स तो उसके डबलेट्स हैं, मतलब डबल डबल रिंग नज़र आ रही होगी आपको, ये कितनी है, 9 प्रेजेंट है इसकी पेरिफ्री की साइड, ओके, आउटर बाउंड्री की साइड, और जो सेंट्रली प्रेजेंट है वो 2 रिंग दिख रही है आपको, वो सिंगलेट है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल ट्यूब्यूल। तो उसका अरेंजमेंट है वो 9+2 है, 9 रिंग्स तो आपको, 9 डबलेट्स तो आपको पेरिफ्री में नज़र आ रही होगी, और 2 कहाँ हैं, सेंट्रल में, ओके, 9+2 एरे हमें देखने को मिलता है, बट नॉन मोटाइल सीलिया का अरेंजमेंट 9+0 है, मतलब कि उसमें सेंट्रल वाला जो है पार्ट गायब है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है वो सिंगलेट है, मतलब सिंगल रिंग है, और वो कनेक्ट है ब्रिज से, ठीक है, और ये एनक्लोज हिस्से हो रही है सेंट्रल शीट से। जो पेरिफेरी की ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, वो कनेक्ट हो रही है सेंट्रल शीट से, किसकी हेल्प से, रेडियल स्पोक से। ये देखिए, जो डबलेट्स रिंग है ये आपस में भी कनेक्ट हो रही है, पहले तो डबल रिंग, ठीक है, लिंकर से, फिर ये जो रिंग्स है ये सेंट्रल शीट से भी कनेक्ट हो रही है रेडियल स्पोक की फॉर्म में, और ये रेडियल स्पोक्स भी कितने हुए, 9, क्योंकि ये डबलेट्स रिंग्स भी कितनी है, 9, ओके। तो इनका जो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है, यही मूवमेंट में हेल्प करता है। जब आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे तब आप इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में। सीलियम और फ्लैजिलम दोनों ही बेसल बॉडी से इमर्ज आउट हो रहे होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स की तरह सिमिलर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, दोनों ही जो स्ट्रक्चर है सीलिया एंड फ्लैजिला, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का, बट इनके जो काफ़ी सारे फंक्शन है वो इन डिफरेंट बनाते हैं, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है सीलिया। फ्लैजिला का मेन जो फंक्शन होता है वो लोकोमोशन में होता है। स्ट्रक्चरली सेम है, बट जो इनका नंबर है, नंबर और साइज, बीटिंग बोर्ड, इनसे एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, ठीक है। So that's all about today class. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my channel Nilofer Nile to get more videos. इससे मुझे motivation मिल सकेगा और मैं आपके लिए और new videos बना सकूँगी। Once again thank you so much and study hard.